Hey guys and welcome back to my brand new vlog। और आज है संडे और मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो एडिटिंग एंड ऑल से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा घूम फिर आता हूँ, अच्छा लगेगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा वन विहार। अगर आपको जानना है ये कहाँ है तो भाई गूगल मैप पे डालो वन विहार भोपाल, आपको मिल जाएगा। सो गाइज, वन विहार निकलने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए ताकि जो एनर्जी है वो बनी रहे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, मैं आया हूँ अनु साउथ इंड हुकर्स कॉर्नर पे। वैसे तो ये बहुत दूर है मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से, बट मुझे यहाँ का साउथ इंडियन बहुत पसंद है क्योंकि कॉलेज लाइफ के 4 साल मैंने यहीं पे साउथ इंडियन खा के अपने निकाले। ये है इंद्रपुरी में एंड आप देख सकते हो कि मैंने ऑर्डर दिया है डोसे का और भैया हमारे लिए डोसा प्रिपेयर कर रहे हैं। खाना पीना हो चुका है और अब मैं निकल रहा हूँ वन विहार के लिए। और गाइस, वन विहार पहुँचे उससे पहले मैं आपको ये बोल दूँ कि मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, तो अगर आपको थोड़ा बहुत गलती मुझे मेरी नज़र आए तो आप मेरे को या तो कमेंट में बता देना या तो फिर माफ़ कर देना यार। चलिए हम वन विहार चल रहे हैं। सो गाइस, मुझे पता नहीं था यार कि ज्योति सिनेप्लेक्स के सामने जो रोड है वो बंद है, क्योंकि वहाँ पे सामने आप देख सकते हो तो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये रास्ता बंद हो चुका है। अब हमें दूसरा रास्ता पकड़ के जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। चलिए वन विहार चल के आपसे बात करते हैं। फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं वन विहार और मैं आपको एंट्री वाला पार्ट तो उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं पास ले रहा था एंड उसके बाद में मुझे गाड़ी भी अंदर लानी थी। सो एंड लुक एट दिस गाइज, भाई इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर आके, और ऊपर से मौसम भी ऐसा ठंडा ठंडा हो रखा है, मस्त मज़ा आ रहा है भाई। मैं कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको नेचर पसंद है तो आप भी यहाँ पे विज़िट करो यार, मज़ा आएगा। आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मस्त अच्छा लग रहा है। और जो भोपाल से देख रहा है हरियाली का मतलब और कुछ मत निकालना, यहाँ पे ग्रीनरी की बात हो रही है। तो कुछ दूरी के बाद भाई मैं सबसे पहले मिला इन भालू जी से। भाई ये देखो भाई, या तो ये पगला गए या तो इनने मेरे को देख लिया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, पर ये डांस बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, बियर के बाद हमें देखने को मिलता है एक लायन, और भाई ये बहुत देर से वहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, या तो इनको राइट हैंड साइड में अपना खाना दिख रहा है या फिर कुछ और हो सकता है, शायद शेरनी भी हो उधर, मैं नहीं जानता, पर ये बहुत देर से ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं। सो शेर भाई साहब को हम यहीं पे छोड़ते हैं और अपन आगे चलते हैं। सो गाइज, मैं जैसे यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे लिखा हुआ था तेंदुआ। मैं थोड़ा अंदर गया लेकिन मेरे को अंदर कुछ देखने को मिला, चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो कि वहाँ पे 3-4 तेंदुए सो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों सो रहे हैं। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, भाई या तो तेंदुआ बीमार है या तो फिर वो है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ये लोग यहाँ सो रहे हैं, ठीक है। तो तेंदुआ तो नहीं देखने मिलेगा, चलो आगे चलते हैं। तो गाइज, हमने 4 तेंदुए देखे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे निकल गए क्योंकि तेंदुए सो रहे थे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो गाइज कि मतलब भाई कितनी अच्छी जगह है ये, मतलब आपको यदि शांति से घूमना है या बैठना है आराम से, अपना टाइम स्पेंड करना है नेचर के बीच में, तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे मस्त घूमो
एंड बैठे रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सो गाइज मैं तो राइड एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी राइड एंजॉय कीजिए। तो गाइज जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे यहाँ पे आपको एक कैंटीन टाइप का लगेगा और यहीं पे सामने आपको दिखेगा वाइट टाइगर। वैसे वो सो रहा है तो शक्ल देखने नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन ठीक है, तो हम इसे यहीं सोता हुआ छोड़ते हैं और हम चलते हैं आगे। व्हाइट टाइगर के बाद हम जब आगे चलते हैं तो आपको स्नेक, बर्ड एंड बहुत से एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था, मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ था। आप जब आओ तो आप ज़रूर घूम लेना। एंड आफ्टर ऑल दिस हम एट द एंड पहुंच जाते हैं। एंड में पहुंच जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा ग्राउंड टाइप मिलेगा, आप यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हो और अपोजिट साइड से भी एग्जिट ले सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिटर्न जाऊंगा पूरा एंड फिर एग्जिट वहाँ से लूँगा जिधर से अपर लेक आता है। एंड गाइस ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपको नेचर पसंद है तो आप अकेले भी आ सकते हो, और अगर आपको मतलब इन्जॉय करना है, घूमना फिरना है अच्छे से, तो या तो अपनी फैमिली के साथ आना या तो फिर अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो मतलब आपके साथ मस्ती करे एंड ऑल, उनके साथ में आना, क्योंकि जब फ्रेंड्स के साथ आओगे तो यहाँ का जो घूमने का आपका एक्सपीरियंस है वो डबल हो जाएगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अकेले आओगे तब भी आप बोर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक एडवाइस है या तो फैमिली के साथ आना या तो फ्रेंड्स के साथ आना, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई नो कि मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ ज़्यादा इतना अच्छा दिखाया भी नहीं है, लेकिन ठीक है मैंने ट्राई किया है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।